गेस हूज बैक। आई नो आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत टाइम से एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं पोस्ट करा, बट आई हैव बीन पोस्टिंग शॉर्ट्स एवरी डे, बट आई मिस्ड यू गाइस एंड आई मिस टॉकिंग टू यू, एंड टुडे आई एम बैक विद अ बैंग। सो एक ह्यूज सा सवाना हॉल करते हैं, दे सेंट मी अ फ्यू थिंग्स एंड आई विल शो यू एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट विद सम वेरी क्यूट टॉप्स एंड वी विल स्टार्ट विद द टॉप दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, बिकॉज आई नो आपको ऑलरेडी इसके बारे में क्वेश्चंस आने लग गए कि कहाँ से है। This top is part of this haul and it is top Savannah only and I love it. It's my favorite piece of this video. The color, the silhouette, the bow tie detailing, everything is just perfect. ऐसे ना bow tie वाले tops ऐसे बहुत trendy हैं and this one I think was for around 900 rupees. बहुत अच्छा price point है I would say and it is made of cotton. This is amazing and if you are getting this top, I would to say just go for it. It's a बहुत अच्छे अच्छे color options है, blue, pink, white, black, red. Red of course being my favorite. And if you want to purchase anything, na main sare links description mein mention kar dungi of course along with my coupon code, taki aapko thode se bhi paise save karne ho to aap mera coupon code use kar lena. Also Savannah has started this new thing where they're going to have sales every weekend. So Saturday 10 AM se Monday 10 AM tak they're going to have sales and every 24 hours unka collection refresh hoga, to aisa bhi nahi ki bahut repetitive hoga, which I really like. एंड ऑफकोर्स आप ये सारी चीज सेव कर लो एंड वीकेंड सेल में इनको खरीद लेना। मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट टॉप, ये ना काफी बेसिक सा पीस है, इट्स लाइक अ स्ट्राइप्ड टॉप जो कि एक क्लोजेट एसेंशियल है फॉर श्योर, बट आई रियली लाइक कि इसमें जो स्ट्राइप्स हैं ये व्हाइट और रेड के इंस्टेड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, लाइक अ क्लासिक स्ट्राइप। दिस इज लाइक अ बेसिक टैंक टॉप, इसका अगेन फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है बताइए ये, एंड इट्स वेरी स्ट्रेचेबल एज वेल। नेक्स्ट है ये क्यूट सा पिंक टॉप एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर, we love it. सामने से दिस सेज आई एम लिटरली जस्ट अ गर्ल विद अ बो हियर एंड ऑफ कोर्स गोज परफेक्टली वेल विद अ बो ट्रेंड एंड आई लव बीइंग अ गर्ल यार, तो मेरे को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया टॉप। एक और ब्लैक क्रॉप टी शर्ट आई थिंक, हाँ एंड इसका ना टेक्स्ट बहुत ज्यादा क्यूट है, इसमें ना सामने से लिखा हुआ है अ लिटिल बिट स्पॉइल्ड, आई लव दिस टेक्स्ट एंड ये पिंक कलर का टेक्स्ट अगेंस्ट ब्लैक तो बिल्कुल पॉप कर रहा है। इतना क्रॉप टी शर्ट, रिब्ड सा फैब्रिक है, अगेन काफी सॉफ्ट फैब्रिक है एंड इट इज वेरी स्ट्रेचेबल, सो काफी अच्छे से फिट आ जा रहा है एंड आई लव इट, ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है। नेक्स्ट आई गॉट अ फ्यू ओवरसाइज टी शर्ट एंड मुझे पर्सनली ओवरसाइज टी शर्ट बहुत पसंद है, आई थिंक लाउंज वेयर की तरह, और लाइक आई गो टू जिम एवरी डे एंड मैं जिम में सबसे ज्यादा ओवरसाइज टी शर्ट पहनना प्रेफर करती हूँ, सो आई पर्सनली थिंक यू कैन नेवर हैव इनफ ऑफ देम। तो मैंने तीन टी शर्ट्स मंगाई हैं, एक्चुअली मैंने ना एक ब्लैक, मतलब मुझे लगा था कि एक ब्लैक है और एक ग्रे है, बट समहाउ बोथ ऑफ दीज आर ग्रे, तो एक काफी सिमिलर शेड है बट इनका जो ग्राफिक वगैरह है वो डिफरेंट है। नाउ मुझे इस टाइप का शेड ऑफ ब्लू काफी पसंद है, लाइक बिल्कुल कोबाल्ट ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, ये इसका थोड़ा सा म्यूटेड वर्जन है एंड इसमें ना सामने से देयर इज अ ग्राफिक जिसमें यहाँ पर एक डॉग है विच लुक सो क्यूट और कुछ ऐसा रैंडम सा टेक्स्ट है जो मुझे समझ नहीं आया, आई जस्ट गॉट इट बिकॉज ऑफ द कलर। नेक्स्ट वन इज दिस ग्रे वन एज आई सेड बिफोर, ओके दिस इज सो क्यूट, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, इसमें ना सामने से लिखा हुआ हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू एंड आई लव्ड दिस टेक्स्ट सामने से, दिस इज ऑल्सो सुपर ओवरसाइज, इसका फिट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, बहुत ही लूज है एंड आई कांट वेट टू वेयर इट टू द जिम। थर्ड वन अगेन इज इन दिस ग्रे शेड एंड इसका भी मुझे ना ये ग्राफिक के कलर्स बहुत अच्छे लगे, आई थिंक इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द ग्रे वेरी वेल, काफी म्यूटेड से शेड्स है एंड ये भी बहुत कंफर्टेबल है। लाइक ओवरऑल ये तीनों टी शर्ट्स बहुत कम्फी है, इट्स अ वेरी क्यूट मिनी बॉडीकॉन ड्रेस एंड एक्चुअली बॉडीकॉन है बट नीचे से थोड़ा सा स्केटर स्कर्ट वाली वाइब भी है इसके, लाइक नीचे वाले पार्ट की एंड आई लव दैट साइड में ना वेस्ट के अराउंड इसमें थोड़ी रूशिंग ऐसे दी हुई है कि आपकी वेस्ट लाइक आपके कर्व्स को बहुत ब्यूटिफुली हग करता है एंड इसे इन्हेंस कर रहा है ना बिल्कुल कर्व्स को, लाइक ये इतना ब्यूटिफुल सिल्वेट है इस ड्रेस का एंड आई थिंक इट लुक अमेजिंग ऑन एवरी बॉडी टाइप। नाउ यहाँ पे नेकलाइन पे इसमें बड़े क्यूट से रफल्स है, अगेन देयर इज अ बो हियर एज वेल एंड रफल्स ना ऑफ वाइट क्रीम कलर के विद लाइक द शिफली पैटर्न ऑल ओवर इट। मूविंग ऑन टू अ कपल ऑफ बॉटम लाइक शॉर्ट्स काइंड ऑफ दैट आई गॉट, तो आजकल ना जॉर्ट्स अगेन बहुत ज्यादा ट्रेंडी ऑन द इंटरनेट एंड आई गॉट दिस पेयर ऑफ शॉर्ट्स और जॉर्ट्स कॉल इट व्हाटएवर यू वांट एंड इसका जो फिट है ना, एक्सपेक्टेड दिस टू बी लिटिल मोर लूज एंड नॉट गोइंग टू लाई, मुझे लगा था कि थाई देखे राउंड से लाइक थोड़ा और लंबा और लूज होगा बट आई स्टिल लाइक द फिट, लाइक जो उसका फिट है मुझे वो भी काफी पसंद है। इफ यू डोंट प्रेफर सुपर शॉर्ट शॉर्ट्स ना आई थिंक यू शुड गो विद दिस, क्योंकि इसका जो इनसीम लेंथ है इट्स अ लिटिल लॉन्गर,
या आपके मिड थाई से थोड़ा नीचे तक आता है. सो इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन वेरी शॉर्ट शॉर्ट्स, दिस इज अ ग्रेट परचेज. नेक्स्ट आइटम मुझे बहुत पसंद आया, आई हैव नथिंग लाइक दिस एंड ये भी काफी ट्रेंडी चल रहा है आजकल एंड इट्स अ ग्रेट एडिशन टू माई कलेक्शन. तो ये है स्कर्ट्स. सामने से ऐसे देखने में आप लोगों की स्कर्ट है, जिसमें प्लीटेड स्कर्ट वाला लुक है, बट अंडर दिस फर्स्ट लेयर ऑफ स्कर्ट देर आर शॉर्ट्स अंडर इट एंड आई लव स्कर्ट्स. इसका मुझे बेस्ट लुक ये लगा कि सामने से प्लीटेड स्कर्ट वाला जो लुक है ना, ये बहुत अच्छा है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली दिस वेस्ट बैंड में ये जो व्हाइट लेयर है ना, आजकल ना ये वाले लाइक बॉटम वेयर स्कर्ट्स, कॉट्स, पैंट्स सब बहुत ट्रेंडी जिसमें दो लेयर होती हैं. ऐसा लगता है कि आपने अंदर से कुछ और पहना है एंड देन उसके ऊपर से यू आर वेयरिंग योर आउटर पीस, बट इट इज लाइक जस्ट वन लेयर. यहाँ पे बस स्टिच किया हुआ है ऐसे व्हाइट वेस्टमैन काइंड ऑफ, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे. एंड देन इट इज इलास्टिकेटेड, ऑल्सो इट इज क्वाइट स्ट्रेचेबल विच आई रियली लाइक. सिंस मैं काफी रेगुलरली जिम जा रही हूँ फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, आई हैव बीन लुकिंग आउट फॉर सम न्यू जिम वेयर एंड आई वॉज सो हैप्पी टू डू दिस वीडियो बिकॉज आई गॉट सम न्यू जिम वेयर and I got a couple of trousers. तो ये first वाला is actually not like a gym wear, but मैं personally इसको gym में पहनना पसंद करती हूँ. It's like आप इसको कहीं भी पहन सकते हो, आप college, office, कहीं के लिए, not office exactly, but you know in general if you are wearing black trousers you can wear these, but I personally love the look of them as a gym wear, a leisure item. So basically these are black trousers. And ये काफी लंबे, I love the length of these and I would recommend this to my tall girlies as well. And इसमें ना सामने से यहाँ पे there is this elasticated waistband, इसलिए इसका ना बहुत formal look नहीं है, which is why I said कि office में नहीं पहन सकते, because since ये look है तो it's all track pant trouser का in between type of है, because it has got this pleated detailing, but then it has got this ribbed waistband here. इसका जो fabric है ना, it's not your typical trouser वाला fabric या फिर एक proper gym wear वाला fabric, it is an in between of these. एंड ये थोड़ा सा ना थिक पॉलिएस्टर टाइप ऑफ है, इट्स नॉट दैट ब्रीदेबल, सो यू माइट फील लिटिल हॉट इन इट, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी 3-4 बार जिम के लिए पहन लिया है, सो दिस इज कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई एम ओके विद द फैब्रिक बिकॉज आई लव द लुक ऑफ इट. एंड ये बहुत अमेजिंग है, एक फिटेड ब्लैक क्रॉप टॉप का उसको पहन लो, इट लुक्स सो क्यूट एंड आई एम तो ऑफकोर्स लाइक गोइंग टू वेयर इट कंटिन्यूसली टू जिम ऑल्सो. आई थिंक ये विंटर्स वेयर के टाइम पे तो बहुत अच्छा है. नाउ नेक्स्ट आई गॉट, दिस इज लाइक अ स्पोर्ट्स वेयर ट्राउजर. I wanted to get this in grey. ये grey में भी था, but grey में मेरा size available नहीं था, so I got it in beige. Now this is not as long as I expected. मुझे लगा था ये भी black जितना लंबा ही होगा, but it's not. So it's basically again like a full trouser situation. नीचे से it has this drawstring. You can leave it open, wear it like a flared trouser, or you can just cinch it and wear it as a jogger. My height is almost 5'5" if you want a reference. But yeah, this is again like a proper gym wear वाला fabric. सॉफ्ट थिन फैब्रिक है, इसमें पॉकेट्स हैं, थोड़ा कार्गो वाला लुक है, तो नीचे से यहाँ पे पॉकेट्स है, इट्स गॉट अगेन दिस ड्रॉस्ट्रिंग इन द फ्रंट एंड काफी थिक इसका जो वेस्टबैंड है ना, बहुत थिक है. नाउ नेक्स्ट आई गॉट अ स्पोर्ट्स ब्रा एंड ये ना मुझे बहुत पसंद आई. इफ यू हैव हेवी चेस्ट एंड यू नीड लाइक अ हाई सपोर्ट स्पोर्ट्स ब्रा, दिस इज अमेजिंग. यू कैन वेयर इट एज अ स्पोर्ट्स ब्रा और यू कैन वेयर इट लाइक एज अ टॉप एज वेल, क्योंकि इसकी लेंथ वगैरह ना काफी अच्छी है and it looks like a crop top only, so you can wear it either way. Iski bag bhi काफी cute hai and this is very supportive, I love that. The final clothing item is a mesh top. Again I got this for a gym and ye pura outfit itna cute lag raha tha saath mein, like this with the sports bra on top and then this mesh crop top over it, it's looking amazing and I'm going to wear it to a gym tomorrow now. But yeah, again bahut chhat like mesh to very breathable, perfect for a gym, perfect for like layering over a sports wear if you want. Now next I got some jewelry, let me show you. I got 3 pieces. So the first one are these earrings that I'm wearing already, these gold drop earrings, and ye kafi cute hai. Mujhe pearl wale drop earrings personally kafi pasand hai, I think they look amazing and they dress up every outfit, especially dresses ke sath bahut acha lagta hai. And then iske upar se ye square stud type ka hai and also mujhe na iske pearl ka asymmetric shape kafi pasand aaya. Next I got one more pair of earrings. I don't have a lot of silver earrings. I am looking for some new silver ones now. मैंने ये वेवी से काफी एब्स्ट्रैक्ट से सिल्वर इयररिंग्स लिए हैं एंड आई पर्सनली लव इट.
थोड़ा सा स्टेटमेंट पीस है, आई थिंक इट लुक अमेजिंग व्हेन आई वांट टू ड्रेस अप एनी आउटफिट. ये थोड़ा सा एजी स्ट्रीट स्टाइल वाइब वाले आउटफिट्स काफी अच्छे लगेंगे. एंड ऑल्सो इट्स वेरी लाइट वेट, दोनों इयर रिंग्स काफी लाइट वेट है विच आई लव. नेक्स्ट, ओके, दिस इज अनदर फेवरेट आइटम ऑफ दिस वीडियो. एंड इफ यू नो मी, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल, यू वुड नो आई लव चेरीज. एनीथिंग विद चेरी ऑन इट, एनीथिंग इन द शेप ऑफ चेरी, आई हैव टू गेट इट. सो आई सॉ दिस चेरी नेकलेस एंड ऑफ कोर्स लाइक आई हैड टू गेट इट. एंड ये इतना ज्यादा क्यूट है, लव इट. इट हैज अ डेंटी गोल्ड चेन एंड देन नीचे से ये चेरी पेंडेंट है एंड ये इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है. लुक एट इट, लुक एट द डिटेलिंग. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट आर टू वेरी क्यूट बैग एंड अगेन लाइक टू ऑफ माई फेवरेट आइटम्स ऑफ दिस वीडियो फॉर श्योर. एंड मतलब काफी टाइम बाद कुछ नए मैंने बैग्स लिए एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. द फर्स्ट वन इज दिस वेरी क्यूट पिंक वन एंड इट हैज सिल्वर डिटेलिंग. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ बैग्स विद सिल्वर डिटेलिंग एंड मुझे सिल्वर ज्वेलरी आजकल पहनना काफी पसंद आता है. सो आई लव दैट दिस हैज शिट टन ऑफ सिल्वर डिटेलिंग. इट्स गिविंग वेरी कोरियन फैशन वाइब्स, आई डोंट नो व्हाई. आई लव द साइज, ये काफी ज्यादा स्नगली फिट आ जा रहा है. लाइक व्हेन यू पुट इट, इट्स लाइक द परफेक्ट साइज, द परफेक्ट लेंथ. इसमें एक स्ट्रैप है एंड देन दे हैव आल्सो गिवन अ सिल्वर चेन सो यू कैन यूज व्हाटएवर यू वांट. तो ये चेन है और दोनों रिमूवेबल है तो ऐसा नहीं कि इट्स परमानेंटली देयर. और देयर इज अ स्ट्रैप, आई पर्सनली लव द स्ट्रैप मोर बट देन यू नो देयर आर सर्टेन आउटफिट जिसके साथ आई नो चेन ज्यादा अच्छी लगेगी. द बैग इज वेरी लाइट वेट एंड वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, लाइक आई लव इट इवन विद रेड स्विंग, सो क्यूट. एंड नाउ द लास्ट आइटम ऑफ दिस वीडियो, आई हैव डेफिनेटली सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, आई एम नॉट इवन किडिंग. दिस इज गोइंग टू बी माई जिम बैग फ्रॉम नाउ ऑन. मुझे ऐसे रैंडम से टोट बैग जिम में जाना बहुत पसंद है. आई डोंट हैव लाइक अ स्पेसिफिक जिम बैग, आई जस्ट कैरी ऑल माई टोट्स. तो लुक एट दिस वन, इट्स सो क्यूट. इट्स लाइक दिस वोवन मटीरियल एंड beige color mein with hearts all over it. Now along with my cherry obsession, I do have a heart obsession as well and a strawberry obsession. So anything with cherries, strawberries or hearts, I have to get it. So this one has hearts all over it. Beige against red is looking so cute. It's also available in a bunch of different colors, but I like to stick to the classic red heart. I think it looks amazing. Even with this top, I would say the bag will look good as well. Casualty white color jeans, top and then this bag will look amazing. But yeah, ये काफी space भी है इसमें. Since it's a tote bag, you can stuff a lot of things inside it. Let's stuff some clothes and see इसका shape. See, you can put a lot of things inside it and it looks so cute. I love it. I love the bag. If you're looking for like a new tote bag, ले लो इसको. वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हिट ऑन दिस रेड बटन एंड आई विल सी नेक्स्ट टाइम. बाय, आई लव यू. ऑल्सो इफ यू वांट टू शॉप एनीथिंग, ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द कूपन कोड. बाय. So where you wanna go, let's see it all. Selfies on the great wall, maybe the Taj Mahal. Hey, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco, we could swim with the sharks.